हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने आज जून 2018 टर्म एग्जामिनेशन रिजल्ट का 11th अपडेट कर दिया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 11th अपडेट होने के बावजूद भी बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जिनका अभी भी रिजल्ट पेंडिंग है। इग्नू की सबसे बुरी बात मुझे यही लगती है जो रिजल्ट में इतना डिले होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स सालों भर सिर्फ रिजल्ट का ही इंतजार करते रह जाते हैं। जून का एग्जामिशन दिया, फिर रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, दिसंबर का एग्जामिशन आ जाता है, फिर दिसंबर का एग्जामिशन दिया, फिर रिजल्ट का इंतजार करते हैं, जून का एग्जामिशन आ जाता है, क्योंकि उनको लास्ट तक ये तक पता नहीं रहता है कि उनको कौन सा सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है, कौन सा सब्जेक्ट का प्रिपरेशन नहीं करना है। ऐसे में होता यह है कि उनका एग्जामिशन खराब जाता है और उनमें रिजल्ट में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। इसलिए इग्नू को इस बारे में सोचना चाहिए और रिजल्ट का अपडेट जल्दी से करना चाहिए। सारे स्टूडेंट्स का जल्द से जल्द रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। आप लोग भी अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपकी इसमें क्या राय है। चलिए मैं आप लोग को जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं कि जो आज 11th अपडेट हुआ है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और कौन कौन सी खास बात है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आप लोग को याद होगा कि 12 सितंबर को लास्ट अपडेट हुई थी, जो अभी 18 सितंबर तक अपडेट की गई है, यानी कि 6 दिन का अपडेट किया गया है। ग्रेड कार्ड भी अपडेट कर दिया गया 18 सितंबर का। आज भी किसका भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो उनका मार्क्स ग्रेड कार्ड में ऐड हो गया है। और मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगा कि जिनका भी ग्रेड कार्ड कंप्लीटली अपडेटेड हो गया और वो लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उन लोग से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको जल्दी अगर रिजल्ट चाहिए तो सिर्फ एक ही आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप मैदानगढ़ी जा सकते हैं, जो इग्नू का हेडक्वार्टर है, तो वहां पर अगर आप जाओगे तो आपको बाई हैंड आपका रिजल्ट और सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ मैदानगढ़ी में ही एप्लीकेबल है और आप रीजनल सेंटर में जाके नहीं ले सकते हैं। अगर आपके लिए पॉसिबल है, अगर आपको चाहिए जल्दी रिजल्ट, तो आप मैदानगढ़ी में जाके बाय हैंड भी ले सकते हैं अपना आई कार्ड दिखा के, अगर जिसका भी ग्रेड कार्ड ऑल कंप्लीटेड शो हो रहा है तब। और अगर आप नहीं जा सकते तो आपको 30-45 डेज आप लोग को वेट करते रहना पड़ेगा, तब आप लोग के घर पर रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिवेल्युएशन का भी रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। रिवेल्युएशन के बारे में मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि 24 सितंबर तक आप लोग का पहला अपडेट आ जाएगा। अब मैं आप लोग को बता दे रहा हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, लेकिन अभी भी स्टूडेंट का रिजल्ट पेंडिंग है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट का रिजल्ट अभी तक के अपडेट में डिक्लेयर हुआ है। NC01, AED01 और ACC01 के अपडेट हुए हैं। जितने रिजल्ट पेंडिंग थे उन्हीं के अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुए, कोई न्यू रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, सिर्फ पेंडिंग रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है जो जो स्टूडेंट्स के बाकी बचे हुए थे। BPSC 212, EHI 01, 02, 03, 05 के अपडेट हुए हैं। ESO 0 के भी अपडेट हुए हैं। बाहर में कुछ आवाजें हो रही है क्योंकि आप लोग को पता है कि आज गणेश पूजा का आज विसर्जन है, इसलिए बाहर में आवाज़ आ रही है, तो इसलिए उस आवाज़ को आप अवॉइड कीजिएगा और आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। EPS 08 और EPS 04 के अपडेट हुए हैं। ECO 10, ECO 9 के भी अपडेट हुए हैं, जो भी स्टूडेंट्स के बाकी बचे हुए थे, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स के बाकी बचे हुए थे उसका मैंने चेक कर रहा था, तो मैंने देखा कि ECO 10 और ECO 9 के आज भी कुछ स्टूडेंट्स के बाकी बचे हुए थे, तो उनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। TS 03, TS 02, TS 04 जो टूरिज्म के पेपर, उनके भी रिजल्ट कुछ स्टूडेंट्स के बाकी बचे थे वो डिक्लेयर हुए हैं। CHE 6, CHE 10, CHE 2 के भी अपडेट हुए हैं। AHE 01 के अपडेट हुए हैं। BPY 02, BPY 01, मैं जल्दी जल्दी कोड बता रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप लोग स्क्रीन को पॉज करके भी देख सकते हैं। BPC 05, BPC 03 के अपडेट हुए हैं। MT 06, MT 11 के अपडेट हुए हैं। PHE 9, PHE 4 के अपडेट हुए हैं। LSE 8, LSE 4 के अपडेट हुए हैं। मास्टर डिग्री में बात करूं तो MSD 04, 03 और 06 के अपडेट हुए हैं। MEG 04, 06 और 08 के भी अपडेट हुए हैं मास्टर ऑफ इंग्लिश के। स्टूडेंट्स इसका वेट कर रहे थे, आप लोग चेक कर लीजिए। MSW के 004, 005 और 03 के अपडेट हुए हैं। IBO के तो ऑलमोस्ट सभी अपडेट हो चुके हैं, लेकिन जिनका भी पेंडिंग बचा हुआ था 06, 05, 03 का, तो उनका अपडेट हुआ है। आप लोग जिनका भी रिजल्ट डिक्लेयर हो जा रहा है तो वो लोग काइंडली आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि बाकी स्टूडेंट को भी पता चले कि इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है या नहीं। MPS 04 और 03 के भी अपडेट हुए हैं। MPC 011 और MPC 013 के भी आज अपडेट हुए हैं। जिनका भी मार्क्स अभी भी कम आया तो वो लोग रिवेल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। रिजल्ट चेक करने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन का लिंक को फॉलो करके यहां पे आ सकते हैं। तो यही सब था इस वीडियो में, यही सब था 11th अपडेट में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार है इग्नू के स्टूडेंट्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।